ओके गाइस, 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम एनिमेश, और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, हमारे साथ इस वक्त बिल्कुल लाइव है हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे नन अदर देन हम सबके फेवरेट सुपर सिंगर दर्शन रावल। इस वक्त कोलकाता शहर में दर्शन, एक बार फिर से दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर। अब आई थिंक मेरा कोलकाता आना और आपसे मिलना तो वो आई थिंक वो बनता ही है। बिल्कुल, वो एक रूटीन हो, मतलब एक एक घर जैसी बात हो गई है कि जब भी दर्शन कोलकाता आते हैं वो फ्रेंड्स एफएम को जरूर समय देते हैं। इसके लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगा। हमेशा से आप मेरे फेवरेट रहे हो, कोलकाता के फेवरेट रहे हो, इंडिया के फेवरेट रहे हो। दर्शन, सबसे पहले कहा जाता है ना कि कोई इवेंट के स्टार्ट जो होती है किक स्टार्ट होनी चाहिए, उसी तरह ये इंटरव्यू भी धमाकेदार होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए केजी के हिसाब से सवाल आए हैं जो मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, वो एक एक करके मैं पूछने वाला। लेकिन उससे पहले दर्शन, एक गाना पूरे हिंदुस्तान के लिए जो आपको इस वक्त हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो द सॉन्ग दैट आई वुड लाइक टू सिंग, वो आई थिंक मुझे बहुत सारा सपोर्ट कोलकाता से मिला इस गाने के लिए, और इस गाने को आप लोगों ने बहुत बहुत बड़ा बना दिया है। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लेट्स डू दिस। मुलाकातें अधूरी रही, मुकम्मल करूंगा ये वादा रहा, तन्हाइयों से भी मैं तेरी बातें करूंगा ए वादा रहा, तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे लब पे ऐसी दुआ ना हो, बाखुदा। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। क्या बात है। वेल, ऐसे ही परफॉर्मेंस आज आप दर्शन के देखने वाले हैं। जी हाँ, हेटे स्कूल में आज परफॉर्म करने वाले, कुछ कहना चाहेंगे, यूथोपिया 2018 का हिस्सा आज आप बनने वाले हैं। सबसे बड़ा इसे स्कूल फेस्ट कहा जाता है, उसका हिस्सा बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो सबसे पहले मुझे पता नहीं होता कहाँ मैं आई एम गोइंग टू परफॉर्म, पर मुझे एक सिर्फ सिटी का नाम बताया जाता जी। तो जब भी ये तो मैंने आपको पहले जी, जब मुझे कहा जाता है कि यू टू गो टू कोलकाता तो मैं खुश हो जाता हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज मैं हेरिटेज स्कूल में परफॉर्म कर रहा हूँ फॉर इन यूटोपिया 2018। यू नो, मुझे ऐसे यंग फेस्ट में परफॉर्म करना इतना अच्छा लगता है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन आई परफॉर्म सो आई थिंक एनर्जी इज ऑल व्हाट आई रियली वांट टू कनेक्ट विथ लोगों के साथ। उस एनर्जी के साथ मैं, मेरा हमेशा से ये होता है कि जब मैं स्टेज पर हूँ और मैं जब स्टेज से उतरूँ तो लोग जो मेरे सामने हैं वो लोग एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके घर पर जाएँ कि रात को भी जब वो सो रहे हैं तब उनको गाने और वो शोर सुनाई देना चाहिए। क्या बात है। और ऐसे ही कुछ आज होने वाला है हेरिटेज स्कूल में। वैसे दर्शन, मैं जैसे कि ऑफ एयर भी आपके साथ जब मेरी बातें हुई थी, मैंने कहा कि जब भी मैं दर्शन के साथ बातें करता हूँ एक मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि सवाल मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ता है ज्यादा कुछ। क्योंकि कल रात को मैंने हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज और अपने पेज पर कहा था कि दर्शन के साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें होगी, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि फैंस सबसे ऊपर टॉप में हैं। हम सब जानते हैं फैंस हैं, तो आज हम सब सेलिब्रिटीज या जो भी कहें जो नोन फेसेस हैं उनको लोग पसंद करते हैं। तो आप मुझे दर्शन बताना चाहिए, सबसे पहले फैंस से कुछ कहते जाओ, आप कुछ कहना चाहोगे उन सभी से, क्योंकि फैंस ने ही हमें बनाया है, आपको बनाया है। तो हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे फैंस हैं। फैंस तो एक टर्म हो गया, बट आई थिंक दे आर माय फैमिली। एब्सोल्युटली फैमिली, इसलिए कहना चाहूंगा कि रॉस्टार से ही वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। चाहे बहुत सारे, मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिस्ट के फॉल डाउन होते हैं, कभी ऐसा पीरियड होता है वो एक डाउनर फॉर्म होता है उसका, फिर अच्छा एक पीरियड आता है। सो आई थिंक मेरी जो फैमिली है वो लोग मेरे साथ हमेशा रहे, चाहे मेरा अच्छा पीरियड हो बुरा पीरियड हो, आई थिंक वही होता है फैमिली, आपके साथ हमेशा रहते हैं। सो आई थिंक मैं तो जो कुछ हूँ, जो कुछ भी बना हूँ, आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ देम। अगर वो लोग नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। बिल्कुल। और आज का जो ये इंटरव्यू है, हम फैंस के ही सवाल लेने वाले हैं, यानी कि दर्शन रावल के जो हार्डकोर फैंस हैं, आज के सवाल में स्पेशल है, फैंस स्पेशल है, मेरे एक भी सवाल नहीं रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, केजी सवाल आए हैं इनके लिए किलो किलो के हिसाब से। तो शुरुआत करते हैं, मैं बता दूं कि कल करीब 13-14 घंटे ही हुए हैं और मैंने सवाल पूछे थे, तो फेसबुक पर करीब 1500 से सवाल आए हैं दर्शन के लिए, और इंस्टाग्राम पर करीब 950 से ज्यादा सवाल आए हैं। तो उनमें से कुछ सवालों को मैंने सिलेक्ट किया है। नैन्सी भूवा है इनका नाम, इन्होंने फेसबुक पर सवाल पूछा था। बहुत ही सिंपल सा सवाल है दर्शन, गाने की बातें हो गई, अब थोड़ा खाने की बातें हो जाए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कौन? आई डेफिनेटली ईट बोथ
veg, non-veg, but basically right now I'm working out and I'm preparing for something that is coming up. So I'm काफी exercise कर रहा हूँ. So I definitely prefer veg and non-veg both. So मेरा वो protein diet maintain हो जाता है. आपको खुश देख कर, लेकिन जब लो होते हैं दर्शन, जब सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ भी जैसा सोचा हमने वैसा नहीं हो पा रहा, तब दर्शन कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं? पहले व्हाट यूज टू हैपन, मैं जब थोड़ा लो फील करता था, यूज टू कॉल माय मॉम और मैं बातें करता था और मैं यूज टू टॉक टू हर, मैं कहता ये मैंने जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ. जैसे आई रिमेंबर वन मोमेंट जब सारी की सारी, आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग, वो मेरा गाना मेरे दिल के बहुत करीब था, बट मैंने जो जिस तरह का रिस्पॉन्स मैंने सोचा था कि मुझे इस गाने को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. आई वॉज अ लिटिल अपसेट दैट सॉन्ग, मेरा वो गाना, इट डिडंट टर्न आउट टू बी अ ह्यूज सॉन्ग. I was a little upset, so I called my mom and I was talking to her. So mera, I think escape person was my mom. So मैं उनसे हमेशा फोन पर बात करता हूँ, वो मुझे हमेशा समझाते थे कि तुमने तुम्हारा 100% दिया. So that is what it is important. अब when I'm low, I think I just close my eyes and मेरे mom ने मुझे जितनी सारी चीजें कही थी वो मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ. And I think it's कोई भी डाउनर फेज या कोई भी अच्छी चीज भी, इट इज नॉट परमानेंट, दैट इज व्हाट. आप बहुत खुश हैं तो आप वो बहुत खुश कंटिन्यूस नहीं रहने वाले. इट्स लाइक डे एंड नाइट. तो अगर दिन है तो एंजॉय द डे, रात है तो आप रात को सो लो. तो इट्स अ प्रोसेस, डे एंड नाइट. सो मैं आई थिंक उसको अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई रियली फील मोटिवेटेड, बिकॉज अगर आप देखें तो इतने सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, तो वो एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन मुझे मिलता रहता है कि सो मेनी पीपल लविंग मी. मैं जब भी कुछ मेरे साथ ऐसा लो फील होता था, आई ओपन माई सोशल मीडिया और मैं लोगों के मैसेज देखता हूँ कि इतने प्यार से लोग मुझे मैसेज करते हैं, हालांकि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता. तो दर्शन मैसेजेस अपने में पढ़ते हैं, आप चेक करते हैं? यस मैं ये सवाल भी आपके लिए आया कि क्या आप लेटर्स, मेल्स, कार्ड्स, ये सब आप देखते हैं? 100% क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड अभी आया हुआ है, मैं जस्ट दिखाना चाहूँ उनसे, विदाउट परमिशन मैं उनको दिखा रहा हूँ. बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँ, इनके लिए कार्ड्स आने शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे भरे हुए, इतने इनके फैन फॉलोअर्स इतने ज्यादा है दर्शक, हम सब जानते हैं. तो एक स्वीडी लड़के ने मुझे आज सुबह ही ये गिफ्ट किया है, देख सकते हैं आप. बिल्कुल यस, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सा ये कार्ड है. मुझे जब वक्त मिलता है तो मैं आई रियली सी जो लोग मुझे, बहुत सारे मेरे पिक्चर्स लोग रखते हैं, लॉट ऑफ फनी पिक्चर्स यू गाइस कीप, मेरे एडिट बना के आप रखते हैं, तो आई डेफिनेटली सी देम. और पर इतनी सारी क्वांटिटी होती है, सो मैं सबको जा जाके रिप्लाई नहीं पाता, बट आई एम डेफिनेटली स्टॉकिंग यू गाइस. तो आपको वो ध्यान रखना है कि मैं आप सबके जो पिक्चर्स और आप जो मेरे बारे में बोलते हैं वो सब मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं, हर तरह की चीजों को सुनना पड़ता है. और बहुत ही दिल के करीब है आप सब, बहुत ही दिल के करीब है दर्शन के. दर्शन मैं जानना चाहूंगा आपसे, फिल्मों की अगर बातें करें तो किस तरह की मूवीज देखना दर्शन को पसंद है? मुझे आई एम अ वेरी इमोशनल गाय, सो ये चीज मैंने बताई हुई है कि I cry in films. Okay. So, क्योंकि मुझे visual connect बहुत ज़्यादा strong है. So, मैं फिल्मों में I start crying. So, I really love emotional films. अभी पिछली एक film जो मुझे बहुत connect हुई थी, that was Collateral Beauty. Will Smith actor है इसमें. तो I think मुझे emotional and I think love stories, I really connect with love stories. तो मुझे वो एक अच्छा thought message आपको देती है. Light hearted films, I really love. दर्शन को डर लगता है? मुझे डर लगता है छिपकली से, बाकी ये आपके फैंस जानते हैं दोनों का, छिपकली छोड़ के और आपको किसी चीज से डर नहीं लगता? मैं शेर से फाइट करूंगा. क्या बात, छिपकली से मेरे से नहीं होता. छिपकली से डर लगता है दर्शन? बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा. मतलब मैं रास्ता बदल दूंगा अगर मेरे कहीं रूम में आ गया. आई रिमेम्बर मेरे स्टूडियो में एक बार अहमदाबाद में मेरे छोटे से रूम में छोटी सी चिपकली आ गई थी. मैं उस रूम में नहीं गया, मैंने सबको, मैं कि लोगों को बुलाया, मैंने बोला मेरा पूरा म्यूजिक का जो सेटअप है बाहर लगाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा. 6 महीने तक वो लोगों ने रूम साफ करवाया, ये करवाया, वो करवाया. 6 महीने तक तो छिपकली पता नहीं कहाँ पहुंच गई, बड़ी हो गई होगी कहीं पर होगी, बट मैं वो एक भ्रम होता है. सो आई थिंक और लेटली आई थिंक मुझे हाइट से थोड़ा डर लगने लगा है. थोड़ा सा हाइट से थोड़ा सा डर लगने लगा.
बिल्कुल दर्शन, मैं जानना चाहूंगा, ये सवाल मेरे भी दिमाग में था और आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि बहुत कुछ बदल गया दर्शन के लाइफ में, बदला है जब से लोग पहचानने लगे हैं, इतने फैन फॉलोअर्स, आप जिस प्रोजेक्ट में हाथ दे रहे हैं वो सुपर डुपर हिट हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो दर्शन इतना कुछ कितना कुछ पाया, कितना कुछ खोया फेमस होने के बाद, लोग पहचानने लगे उसका, कितना कुछ बदल गया लाइफ में? सो आई थिंक मुझे तो मैं पॉजिटिव चीज देखता हूँ, तो मुझे मिला बहुत है जी, खोना तो आई थिंक कुछ कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अभी कहीं खुद के साथ अगर वक्त बिता रहा हूँ, खुद के बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं उनके साथ, सो समटाइम्स वो एक डिफिकल्ट हो जाता है कि आप एक माइंडसेट के साथ गए हैं और फिर कुछ लोग आते हैं पिक्चर्स के लिए, आई लव इट जब लोग मेरे से पिक्चर खिंचवाते हैं, बट देन लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट कमिंग और उसके बाद वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पीपल स्टार्ट स्नैचिंग, खींचना शुरू हो जाता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो हमारा जो मोटिव से मैं गया होता हूँ कि आई सिट, आई रिलैक्स, आई डू समथिंग, आई टॉक विद पीपल, वो कभी कभी हो नहीं पाता, तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बट आई थिंक मुझे मिला बहुत है, सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट मुझे जैसे जैसे मुझे लोगों ने पहचाना है, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार ही मिला है, सो फॉर दैट लव आई कैन आई थिंक सेक्रीफाइस एनी थिंग. क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सही बात आपने, ऐसे इंट्रोवर्ट हैं एक्सट्रोवर्ट हैं? मैं बहुत ज़्यादा, आई एम सुपर फनी, सुपर, मैं बहुत ज़्यादा मस्तीखोर इंसान हूँ, मूडी हूँ, आई विल से डिफरेंट मूड्स हैं मेरे, कभी कभी मैं शांत होता हूँ बहुत दिनों तक, आई एम इन टू माई सेल्फ, मेरे खुद में होता हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ, वो सारी चक्कर, सो आई एम अ लिटिल मूडी. बिल्कुल दर्शन, जैसे कि आपने कहा कि कभी कभी ऐसे माहौल हो जाते हैं कि लोग एक साथ आ जाते हैं, इतने ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि अनकंफर्टेबल, कोई भी अनकंफर्टेबल फील करेगा, तो इन क्रेजी फैंस को आप कुछ कहना चाहेंगे, जो ऐसे फैंस हैं जो हमेशा दर्शन से मिलना चाहते हैं, दर्शन के पास आना चाहते हैं, उनका फोन नंबर मांगना चाहते हैं, आपका फोन नंबर, ऐसे फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं जो एडवाइस उनके लिए क्या होगा, मैं जो लोग मुझे, मैं जहाँ जाता हूँ और जो लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझे खींचते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग और ज्यादा मुझे और ज्यादा परेशान करो और ज्यादा खींचो, ये उनका प्यार है, मुझे लगता है बिल्कुल, इट्स योर राइट और आपको करना ही चाहिए, सो यू शुड. क्या बात है, क्या बात है. और अभी कोई रिसेंट कोई गाना आपका? अभी मैं बहुत सरप्राइज है और फिर से मैं कहूंगा जब जब मैं गाना लेके आऊंगा, मैं आई एम गोइंग टू कम बैक हियर और आपके साथ में बिल्कुल हमारे साथ बातें होगी, तो कॉमन फ्यूचर प्लान्स उसके बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में करेंगे. बहुत सारे मैं काफी टाइम से प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग, इट इज गोइंग टू वेरी डिफरेंट सॉन्ग, अभी तक मैं जो गाने करता आया हूँ उससे थोड़ा अलग है, जहाँ पर आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट, सो आई एम रियली वर्किंग वेरी हार्ड, अभी बहुत ज्यादा मैं, मेरा वर्कआउट चालू है, डांस रिहर्सल्स चालू है, लॉट ऑफ थिंग्स, सो वेरी सून यू गाइस आर गोइंग टू हियर सम अमेजिंग सॉन्ग्स फ्रॉम माई साइड, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा इंतजार करना होगा बिल्कुल. वैसे गरिमा जानना चाहते, गरिमा सिंह ने भी एक सवाल पूछा है कि कार्टून कैरेक्टर्स में कौन कौन से पसंद है? कार्टून में आई यूज्ड टू वॉच डेक्स्टर पहले, आई यूज्ड टू वॉच पाफ ऑफ गर्ल्स, देन आई थिंक देयर वाज हाइडी, वाज हाइडी करके जी, उसका म्यूजिक मुझे वो द एम्बियंस वाज सो ब्यूटीफुल आई रिमेंबर, सो ये था. उसके बाद थोड़ा व्हेन आई ग्रो अप, उसके बाद वो ड्रैगन बॉल जी, पिकाचू, आई हैव बीन ऑल, वो सारे मैं आई यूज्ड टू वॉच. अभी रिसेंटली अगर अभी इस एज पर आकर मैंने वन पंच मैन करके एक नेटफ्लिक्स पर एनिमेशन, वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था, आई वॉच्ड इट फॉर अ फ्यू डेज. क्या बात है. और चलिए अब हम थोड़ी सी वर्ल्ड टूर में जाते हैं, अभी हेली पटेल है इनका नाम, हेली पटेल ने पूछा है कि कब आप यूएसए जाने का प्लान कर रहे हैं, ओयो कब जाने वाले, कुछ ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं? मैं यूएस दिस ईयर आई माइट गो टू यूएस एक या दो बार, बट मैं शायद घूमने आऊंगा, शो के लिए अगर मैं आऊंगा तो 100% आपको इन्फॉर्म करूंगा पहले, तो आप आ सकते हैं, और अगर घूमने आऊंगा तो हम कहीं मिल जाएंगे, कहीं पर यूएस में पानी पूरी खाते हुए कहीं आई मीट यू गाइस. पानी पूरी खाते हुए पुचका खाते हुए पुचका, अच्छा पुचका रसगुल्ला, ये भी सवाल था एक मेरे दिमाग में अचानक से आया, कोलकाता में आके पुचका सबसे ज्यादा पसंद है कि रसगुल्ला या दोनों? पुचका वैसे तो स्वीट्स देख के मेरे से कंट्रोल नहीं होता, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स आई कैन नॉट कंट्रोल, बट अभी आई प्रेफर पुचका. पुचका वो भी दो पीस, दो तीन, थोड़े थोड़े से खा, तीन चार आप तीन खा लेना, मैं पांच छह मार दूंगा. ओके ओके, इंस्टाग्राम पे कुछ सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक गाना हो जाए. yes, कोई एक गाना आपको डेडिकेट करना हो आपके फैंस को. शब्दों हाउ विल डू शब्दों में, मुझे जीना तेरा बना ले, किया खुद को तेरे हवाले, सोचूं तुझे शाम से सुबह तक हर लम्हा, के शब तुम हो, ओ, 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 ओ,
दिन हो क्या बात है। इंस्टाग्राम के सवाल में पूछने वाले, उससे पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की थी? हाँ, तीन साल तक मैंने किया था इंजीनियरिंग। तो ये अचानक से ये कैसे चेंज आया? रॉक वो तो जानते हैं रॉकस्टार की बात, लेकिन कैसे शुरुआत किया कि सिंगिंग में जाना चाहिए? नहीं, सिंगिंग में पहले से, आई यूज्ड टू डू सिंगिंग बहुत पहले से मेरा था। गिटार बजाना भी आपको बहुत पसंद था? तो सिंगिंग में हमेशा से आई वॉन्टेड टू डू, पर वो घर का एक प्रेशर था कि आप इंजीनियरिंग करिए, अगर सिंगिंग तो वो, अगर आप सिंगिंग में करियर नहीं बना सकते। सो ये प्रेशर था, पर मेरा फोकस वाज वेरी क्लियर। सो मैं वो इंजीनियरिंग के क्लासेस बंक करके मैं कहीं गिटार प्ले कर रहा हूँ, कहीं गाने लिख रहा हूँ, और मेरा फोकस वाज टोटली इनटू म्यूजिक। पर ये क्या है, इंडियन मेंटालिटी है कि सिंगर्स और या डांसर हो और एनी आर्ट फॉर्म को उतना ज्यादा मायने नहीं दिया जाता। उतनी सिंगर हो तो हो, लेकिन करते क्या हो? हाँ, ये है। तो मतलब मुझे भी कहा जाता है कि वर्ड आपको जिंदगी में क्या करना है, मैंने कहा कि मुझे म्यूजिक करना है। बोले नहीं नहीं, वो तो आपकी हॉबी होगी, वो तो कर लोगे, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ के अंदर क्या, मैंने कहा नहीं मैं म्यूजिक ही करना चाहता हूँ। तो मेरा बड़ा क्लियर था फंडा, और आई वॉज वेरी, मैं मेरी लाइफ में अगर मुझे कोई चीज पसंद आती है या मुझे कुछ अच्छा करना है, इफ आई वांट टू डू इट आई विल जस्ट डू इट। मैं बहुत फर्म हूँ इस चीज में, तो आई कैन फाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड इफ आई वांट टू डू समथिंग। सो आई थिंक वही मेरे फैमिली में भी काफी, और बहुत सारे मैं लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ और देखता हूँ जो कमेंट करते हैं। बहुत सारे अपकमिंग सिंगर्स हैं जो कहते हैं कि हमारे घर से फैमिली अलाउ नहीं करती, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि फैमिली तो आपके बारे में ही सोचेगी, वो सोचेगी बिकॉज दिस फील्ड, ये इतनी कॉम्पिटिटिव फील्ड है, हर कोई फील्ड कॉम्पिटिटिव होती है, बट लोगों को इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो आपको हमेशा वो सेफ जोन में डालने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप श्योर हैं और आप मेहनत कर सकते हैं, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट टू टेक योर फेलियर्स, तो आप बिल्कुल वही करिए जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में करना। बिल्कुल सही बात है, जो आपने सोचा है उसे ही करने की कोशिश कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, लेकिन सक्सेस आपको ही मिलेगी। इंस्टाग्राम के बहुत सारे सवाल है, इनका आईडी है वन इंडियन गर्ल, इन्होंने पूछा है कि दर्शन को क्या पसंद है, टी और कॉफी? Both, I really, sometimes I prefer tea and then I have coffee days, जहाँ मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ, different types of coffees I try, so it's balanced again, it's very balanced for me, चाय का क्या है, बड़ा simple सा हिसाब है, कहीं भी कभी भी मिल सकती है, कहीं भी मिल जाए। कॉफी भी ऐसा है, बट कॉफी वो कहीं वाली अच्छी नहीं लगती, वो आपको अच्छी जगह पे जाके बैठ के बोलना है। चाय का क्या है, कहीं भी गए आप बोल सकते हैं भाई वो दो कप चाय दे दो या एक कप चाय दे दो। तो कॉफी इज मोर, आई थिंक इट्स इन इंडिया चाय इज इजीली अवेलेबल, कॉफी के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। बिल्कुल दर्शन, ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जब इसके पहले जब मैंने आपसे इंटरव्यू लिया, इस तरह के सवाल लेकिन मैंने कभी नहीं पूछे, बहुत ही सिंपल सवाल है ये सब, लेकिन आप देखो कि फैंस जानना चाहते हैं दर्शन को और ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे अगर सवाल होते वो दूसरे तरह के हो जाते, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, मुझे भी बड़ा अलग सा फील हो रहा है। फेवरेट बुक, बुक आपने कौन सी पढ़ी है, कोई भी एक बुक जो आपको याद है? बुक तो मेरा मैंने लास्ट कुछ पढ़ा, दूर दूर तक नाता नहीं है ऐसा बोल रहे थे। हाँ यार, मतलब मैंने लास्ट कुछ पढ़ा था तो वो शहीद साहब की जो बुक लॉन्च हुई थी आवारापन, वो मैंने पढ़ा था। बाकी मेरा पढ़ने से तो थोड़ा रिश्ता नहीं है, कोई मेरे को सुना दे तो मैं सुन सकता हूँ, कोई मतलब मेरा, अगर कोई मुझे पूछे अगर आप बुक रीड करेंगे, मैं कहूंगा बिल्कुल मैं अच्छी बुक खरीदूंगा। आप पढ़ो, मैं सुनता हूँ। और मैं सुनता हूँ, आई एम अ गुड लिसनर, आई ऑलवेज टेल दिस। क्या बात है, क्या बात है। और जब अकेले बैठे रहते हैं तब आप क्या करना पसंद है? म्यूजिक अगर हम छोड़ दें, आप गाने नहीं गा रहे हैं, आप अगर अकेले रूम में हैं तो क्या करना आपको पसंद है? सो वेन आई ऑल अलोन, जब मैं मूवी भी नहीं देख रहा या कुछ, मुझे जो चीज़ें मतलब हॉबीज जो मेरी हैं वो नहीं कर रहा हूँ, वेन आई एम जस्ट सिटिंग विथ माई सेल्फ, तो मैं आई प्लान माई फ्यूचर, क्या मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है और कैसे मैं करूँगा। बिकॉज इन लाइफ आपको अपने लाइफ में बहुत सारे गोल्स यू हैव टू सेट, और फिर आपको चैलेंज करना है अपने आप को, एंड यू हैव टू अचीव गोल्स। तो मैं हमेशा अपने आप को 6 महीने का पीरियड देता हूँ कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स आई हैव टू बी इवन बेटर, मैं जो पिछले 6 महीने था उससे कहीं ज़्यादा मुझे बेटर होना है। सो मेरा कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस इज दैट, कि मैं नया क्या करूं, व्हाट शुड आई इम्प्रूव इन माई सेल्फ दैट पीपल विल लव, एंड मैं ऐसा क्या करूं कि लोग इंस्पायर हों, और मैं ऐसा क्या अच्छा म्यूजिक हूँ कि लोग उसको सुनना पसंद करें। तो माई कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस इज अबाउट बींग बेटर एंड हाउ टू डू गुड थिंग्स इन दिस वर्ल्ड।
तो आने वाले 6 महीने 1 साल में हम क्या क्या इस बार इस साल जैसे कि मैं आई एम कमिंग अप विद लॉट ऑफ ओरिजिनल सॉन्ग्स मेरे खुद के और कुछ बॉलीवुड के गाने हैं जो आई थिंक इट विल स्टार्ट आई थिंक द फर्स्ट सॉन्ग दैट माइट कम इन जुलाई अगस्त और उसके बाद बॉलीवुड के बैक टू बैक सॉन्ग्स हैं सो आई एम रियली वर्किंग ओवर माय सॉन्ग्स और मैं काफ़ी इस बार हर एक गाने को मैं जी रहा हूँ आई एम लिविंग दिस सॉन्ग सो दैट पीपल कैन लिव दैट सॉन्ग सो आई एम वर्किंग रियली हार्ड ओवर ईच एंड एवरी सॉन्ग दैट कम्स आउट क्या बात है जाते जाते आपके फैंस से कुछ कहते हैं ये साथ ही साथ नीना गुला जो है ये आखिरी ये सवाल नहीं है ये विश चाहती हैं आपसे क्योंकि इनके एग्जाम चल रहे हैं गुड लक अगर आप इनको एक बार कह दें क्योंकि इनके एग्जाम जो है वो शुरू हो चुके हैं नीना जी नीना और अपने फैंस कुछ कहते हैं नीना जी बेस्ट ऑफ लक आपको और जितना आता है पेपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखे अगर नहीं आता तो आगे पीछे पूछ के भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम इन दैट मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा उसमें और इफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर एग्जाम दैट्स अमेजिंग अगर अच्छा नहीं होता तो कोई स्ट्रेस नहीं क्योंकि मेरा एक भी एग्जाम अच्छा नहीं गया था सो बेस्ट ऑफ लक कह रहे हाँ मेरा ज्यादातर जो अच्छी एग्जाम जाती थी वो आगे पीछे के लोगों के वजह से अच्छा अच्छा हाँ उनसे बैलेंस एंड आई वाज एन अमेजिंग कॉपीकैट इन एग्जाम वाओ सो क्या होता था मैं जैसे 3 रो होती थी सो आई यूज्ड टू सिट थर्ड रो पर फर्स्ट बेंच पर तो जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते तब वो एमसीक्यूज आते थे जी जी और सबके एक ही पेपर है स्कूल में तो जब तक मेरे पास पेपर नहीं आते थे मेरे पास वो टीचर वहां से जी जी वो एक 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 करके पेपर देती है क्वेश्चन पेपर जब तक मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं आता तो उसके पहले आंसर आ जाते सारे आंसर्स मेरे पास होते थे क्योंकि वहां से मुझे हर लोग बता देते थे तो ये इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट यही पार्ट था हाँ बिल्कुल तो इस तरह के सब आंसर्स मिल जाते थे कलेक्ट हो जाते तो उसके बाद क्वेश्चन आता था जी तो मतलब मुझे क्वेश्चन तो मैं देखे बिना मेरा सीधा मजाक कर रहे हैं आप अच्छे से पढ़ाई करो ठीक है ठीक है आप पढ़ाई करो वो जो कर रहे हैं उनको करने दो आप अपनी पढ़ाई मुझे फॉलो मत करो बिल्कुल नहीं नहीं फॉलो करो हाँ मतलब पढ़ाई भी करते हैं फॉलो मत पढ़ाई अच्छे से करो गुड क्योंकि अगर फर्स्ट बेंच पर अगर कोई होशियार लड़का नहीं होता अगर स्मार्ट लड़का नहीं होता तो मेरे सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हाँ। तो किसी को तो फर्स्ट बेंच पे बैठना है बिल्कुल तो आपको फर्स्ट बेंच पे बैठना फर्स्ट बेंच वाले बनो हम लोग आपके पीछे रहेंगे मेरे जैसे कुछ ना कुछ आप लोगों को उनकी मदद करो मिली जाएंगी बिल्कुल जाते जाते कुछ आप सुनाते आप सबके लिए दिस द सॉन्ग दैट इज ऑलवेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई नो दैट यू गाइस आल्सो लव दिस सॉन्ग एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी हू इज हियर मेरा दिन भी तो मेरी शाम है तू मेरे रात के सपनों में तू मेरी आहटे तेरा नाम ले ये बात तू मान ले 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो बेरुचि है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो मेरी पहली मोहब्बत है आप सब थैंक यू सो मच दर्शन फ्रेंड्स अपन को एक बार फिर से समय देने के लिए लॉट्स ऑफ लव टू 91.9 फ्रेंड्स थैंक यू मुझे बहुत अच्छा लगता है अनमिश भाई आपसे हमेशा मिलके एज आई सेड मेरे लिए कोलकाता रूटीन में सबसे पहले आप होते हैं थैंक यू सो मच इट्स अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच पीपल फॉर ज्वाइनिंग इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी बिल्कुल थैंक यू सो मच गाइज आपके सवाल आज हमने पूछे और दर्शन हमारे साथ थे उन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जल्द अगला गाना लेके अनमिश भाई के साथ यही बिल्कुल एक बार फिर से बात होगी थैंक यू सो मच